विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 में दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ। विराट के पापा प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और वहीं उनकी मां सरोज कोहली एक हाउसवाइफ। विराट तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और तीनों में ही विराट अपने पापा के सबसे ज़्यादा करीब थे। जब विराट 3 साल के थे तब वो अपना बैट उठाते थे और अपने पापा को बोलते थे कि वो उन्हें बॉल डालें। विराट की पढ़ाई विशाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली से हुई। जब विराट 9 साल के हुए तब वो इंडिया का क्रिकेट मैच देख रहे थे और उस टाइम के मैच में सचिन की यादगार पारी को देखकर विराट बहुत मोटिवेट हुए। फिर उसी साल वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी भी बनी जो उनके घर के काफ़ी करीब थी, तो विराट के पापा विराट को उस अकेडमी में ले गए और लकीली वहाँ विराट का सिलेक्शन हो गया। और कुछ टाइम बाद विराट के पापा ने सपोर्ट करते हुए विराट को सुमित डोगरा अकेडमी भी ज्वाइन करा दी। अब इस टाइम पे आते आते विराट क्रिकेट के लिए थोड़े सीरियस हो गए थे। जब विराट 9th क्लास में आए तो उनकी फैमिली ने उन्हें सेवियर कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया ताकि विराट की क्रिकेट प्रैक्टिस में हेल्प हो सके। 13 साल की उम्र में वो पहली बार दिल्ली की अंडर 15 की टीम की तरफ से खेले। उस टूर्नामेंट में विराट को हाईएस्ट रन स्कोरर का अवार्ड भी मिला और ये अवार्ड और किसी ने नहीं बल्कि खुद आशीष नेहरा ने विराट को दिया। फिर करीब 18 साल की उम्र में विराट अंडर 19 टूर ऑफ इंग्लैंड के लिए सेलेक्ट हो गए जहां पर इंडियन टीम ने सीरीज भी जीत ली। विराट ने फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया जहां वो दिल्ली की टीम से खेले थे, पर अपने पहले मैच में वो सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस टाइम पे आकर उनके पापा की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी और वो दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और उन्हीं दिनों में विराट एक 4-डे टेस्ट मैच का हिस्सा बने हुए थे जहां विराट बिना आउट हुए क्रीज पर डटे रहे। उसी रात 3 बजे विराट के पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर उसी सुबह विराट वापस मैदान पर लौटे और उस मैच में करीब 90 रन बनाए। इस मैच के तुरंत बाद विराट अपने पापा के फ्यूनरल के लिए गए। ये विराट की जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। फिर 2008 में विराट ने इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम को अपनी कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप जिताया। फिर उसी साल विराट को रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 20 लाख रुपए में यूथ कॉन्ट्रैक्ट पर खरीद लिया। आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद विराट को ओडीआई टीम में भी सेलेक्ट कर लिया गया। अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में विराट सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। विराट की गंदी परफॉर्मेंस के कारण विराट को इंडियन टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। अब ये विराट के लिए काफ़ी मुश्किल समय आ गया था, पर फिर विराट की ज़िंदगी में एक मोड़ आया। विराट को 4-टीम इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट में सेलेक्ट कर लिया गया जो कि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। और इस टूर्नामेंट में लकीली विराट हाईएस्ट रन स्कोरर बने जिसके बाद विराट को इंडियन टीम में फिर से ले लिया गया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। विराट ने इंडिया के लिए इतने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। विराट के नाम काफ़ी रिकॉर्ड्स भी हैं जैसे फास्टेस्ट 5000 रन स्कोरर। विराट अपने सक्सेस का सारा क्रेडिट अपने पिता प्रेम कोहली को देते हैं जिन्होंने विराट को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया क्रिकेट के लिए।